दोस्तों आज हमारी एक स्पेशल क्लास है जिसके अंदर हम सीटेट पेपर 2 के साइंस के कंटेंट पार्ट के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, कुछ नौ क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज को, जो कि हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से लिए गए हैं। ओके, तो ये क्वेश्चंस जो है साइंस के कंटेंट पार्ट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। जो भी सीटेट पेपर 2 के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा बेनिफिट रहेंगे। ठीक है, तो हम लोग इस क्लास को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो सबसे पहले तो जो भी इस क्लास को देख रहे हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास को फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्या कहता है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए। आफ्टर फिजिकल एक्सरसाइज वी समटाइम्स गेट मसल्स क्रैम्प्स द रिजल्ट ड्यू टू। कई बार जब हम फिजिकल एक्सरसाइज करें तो उसके बाद जो है मसल्स क्रैम्प हो जाते हैं, मसल्स में पेन होना शुरू हो जाता है, तो ऐसा क्यों होता है ऐसा पूछा गया है। तो देखिए ऑप्शंस को देख लेते हैं। नॉन कन्वर्शन ऑफ ग्लूकोज टू लैक्टिक एसिड, जो ग्लूकोज है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, ऐसा क्या कहा गया है इस ऑप्शन में। तो ये तो बिल्कुल ही गलत ऑप्शन हो जाएगा हमारा कि नॉन कन्वर्शन ऑफ ग्लूकोज टू लैक्टिक एसिड। सेकेंड ऑप्शन की तरफ चले तो कन्वर्शन ऑफ पायरुवेट टू लैक्टिक एसिड, पायरुवेट का कन्वर्शन हो रहा है लैक्टिक एसिड के अंदर, मे भी देख लेते हैं आगे चल के हो जाए। कन्वर्शन ऑफ पायरुवेट टू अल्कोहल, जो पायरुवेट है वो अल्कोहल के अंदर चेंज हो रहा है। तो देखो अल्कोहल की वजह से कभी भी मसल क्रैम्प्स नहीं होती है, मसल क्रैम्प्स किसकी वजह से होती है, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड रिस्पॉन्सिबल होता है मसल क्रैम्प्स का। तो मतलब ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा बिकॉज इसने बोला पायरुवेट अल्कोहल में बदल रहा है, तो अल्कोहल रिस्पॉन्सिबल हुआ फिर नहीं, लेकिन अल्कोहल रिस्पॉन्सिबल होता ही नहीं, तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा गलत। नॉन कन्वर्शन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुवेट, क्योंकि ग्लूकोज जो है पायरुवेट के अंदर नहीं कन्वर्ट हो रहा, तो ये ऑप्शन भी हमारा हो जाता है गलत। तो नॉन कन्वर्शन वाले जितने भी ऑप्शन थे वो तो हमारे ऑलरेडी गलत हो गए हैं। ठीक है, तो बात आ जाती है कन्वर्शन पायरुवेट टू अल्कोहल, तो पायरुवेट अल्कोहल में बदलेगा तो अल्कोहल रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है मसल क्रैम्प्स के लिए, मसल क्रैम्प्स के लिए रिस्पॉन्सिबल ही लैक्टिक एसिड होते हैं हमारे। तो हमारा ऑप्शन बी जो है ये सही होगा, दैट इज कन्वर्शन ऑफ पायरुवेट टू लैक्टिक एसिड। देखो होता क्या है एक्चुअल में, जो हमारा ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज क्या होता है, 6 कार्बन एटम का मॉलिक्यूल होता है, 6 कार्बन एटम का मॉलिक्यूल होता है, जो ग्लूकोज होता है वो कन्वर्ट होता है किसमें, पायरुवेट में। ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है पायरुवेट में, जो कि 3 कार्बन एटम का मॉलिक्यूल होता है। क्या होता है, जो ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन एटम का मॉलिक्यूल होता है वो कन्वर्ट हो जाता है पायरुवेट में, जो कि 3 कार्बन एटम का मॉलिक्यूल होता है, और जो 3 बच गए हैं कार्बन एटम, जो 3 कार्बन एटम तो इसके अंदर यूज हो गए, लेकिन जो 3 कार्बन एटम बच गए हैं वो यूटिलाइज किए जाते हैं एनर्जी के फॉर्म में। अब क्या होगा, जब हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई की नीड होगी, ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा नीड होगी, जब हम लोग कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं या फिर रनिंग वगैरह कर रहे हैं तो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की जरूरत बढ़ जाती है क्योंकि सांस इतने अच्छे से नहीं ले पाते हैं। तो उस टाइम क्या होता है, जो हमारा पायरुवेट होता है, पायरुवेट जो है वो ब्रेक डाउन होता है इंटू एनर्जी एंड लैक्टिक एसिड में। तब क्या होता है, हमारा पायरुवेट एनर्जी और लैक्टिक एसिड में टूट जाता है। एनर्जी तो क्या होता है, यूटिलाइज कर ली जाती है हमारी बॉडी के द्वारा फिजिकल एक्टिविटीज में, और जो लैक्टिक एसिड होता है उसकी वजह से मसल्स क्रैम्प हो जाते हैं। ठीक है, क्या होता है, लैक्टिक एसिड की वजह से मसल्स क्रैम्प हो जाते हैं। तो क्या हो जाता है हमारा आंसर, कन्वर्शन ऑफ पायरुवेट टू लैक्टिक एसिड, क्योंकि देखो ग्लूकोज जो था उसने पायरुवेट के अंदर कन्वर्ट होता है, 6 कार्बन एटम थे ग्लूकोज के, पायरुवेट के 3 होते थे, 3 तो यूज हो गए ग्लूकोज के कार्बन एटम किसमें, पायरुवेट में कन्वर्ट होने के लिए, लेकिन जो 3 बच जाते हैं उसको एनर्जी के फॉर्म में यूटिलाइज कर लिया जाता है। अब जो हमारा पायरुवेट है, जब भी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई की नीड होगी तो पायरुवेट क्या होगा, डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा एनर्जी के अंदर, उसी के साथ साथ लैक्टिक एसिड को रिलीज करेगा, जो लैक्टिक एसिड है हमारा उसकी वजह से मसल्स क्रैम्प होंगी। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है। मूव करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ, दैट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सेल इज नॉट ट्रू, इनमें से सेल के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, ये बात याद रखना, सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शंस देख लेते हैं। सेल ऑफ अ टिश्यू हैज सिमिलर स्ट्रक्चर, एक टिश्यू के अंदर जितने भी सेल्स होते हैं उनके सिमिलर स्ट्रक्चर होते ही हैं। ऑफ कोर्स जो टिश्यू होता है सेम टाइप के सेल से बना होता है, तो उनके स्ट्रक्चर जो होते हैं सेम होते हैं, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। साइज ऑफ अ सेल इज सेम इन अ वेल ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनिज्म, एक वेल ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर सेल के साइज जो होते हैं सेम होते हैं, ये बात बिल्कुल सही होती है। ऑल दी सेल्स हैव न्यूक्लियस,
सभी सेल्स के पास न्यूक्लियस होता है। तो देखो हमने पढ़ा था दो टाइप के सेल्स के बारे में, वन इज प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल एंड अनदर इज यूकैरियोटिक सेल। टू टाइप के सेल्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं? ऐसे सेल्स जिसके अंदर न्यूक्लियस की वॉल्स नहीं होती, न्यूक्लियस की वॉल्स एब्सेंट होती हैं, ऐसे सेल्स को प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनकी जो उनके अंदर जो न्यूक्लियस है उसकी मेम्ब्रेन या फिर हम लोग कह सकते हैं न्यूक्लियस एकदम वेल डिफाइंड होता है। न्यूक्लियस एकदम क्या होता है? वेल डिफाइंड होता है। तो हमारा ये ऑप्शन जो होता है बिल्कुल गलत हो जाता है। ऑल सेल्स आर राउंड इन शेप, तो ये बात बिल्कुल सही है, पर हमें क्वेश्चन में पूछा गया है नॉट ट्रू, कौन सी बात इसमें से सही नहीं है, तो जो हमारी गलत है वही हो जाएगी सही, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही। तो जो सही है वो गलत हो जाएगा, जो गलत है वो सही हो जाएगा, बिकॉज उन्होंने पूछा है नॉट ट्रू। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा सोल्व हो जाता है, हम लोग जाएंगे सी ऑप्शन के साथ। आगे मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। क्या बोलता है हमारा थर्ड क्वेश्चन? इंप्रेशन ऑफ एन इमेज प्रेजेंट ऑन द रेटिना ऑफ ह्यूमन आई फॉर अबाउट, जो हमारी ह्यूमन आई होती है उसके रेटिना के ऊपर जो इमेज बनती है उसका असर कितने टाइम तक उसका प्रभाव रहता है, कितने टाइम तक उसका प्रभाव रहता है ये पूछा गया क्वेश्चन में। इंप्रेशन ऑफ एन इमेज प्रेजेंट ऑन द रेटिना ऑफ ह्यूमन आई फॉर अबाउट। तो देखो अगर ह्यूमन आई की बात करें, मान लीजिए हमारी ह्यूमन आई है ये, ठीक है, ये ह्यूमन आई है मान लीजिए। तो ह्यूमन आई के यहां पर क्या प्रेजेंट होता है? लेंस, ठीक है, इस तरह से लेंस यहां पर प्रेजेंट होता है, और यहां पर हमारा क्या होता है? रेटिना। और रेटिना को क्या कहा जाता है? स्क्रीन ऑफ ह्यूमन आई। ह्यूमन आई की स्क्रीन किसको कहा जाता है? रेटिना को। लेंस हो गया, ह्यूमन आई की स्क्रीन हो गई रेटिना। अगर मान लीजिए हमारे यहां पर कोई एक इमेज बनी हुई है, ठीक है, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है, ठीक है, अब इसकी रेज क्या होगी? लेंस के ऊपर पड़ेगी, लेंस के ऊपर इसकी रेज पड़ेगी, और यहां पर जाके क्या होगा? यहां पर इसकी एक इन्वर्टेड इमेज बनेगी, स्क्रीन के ऊपर एक इन्वर्टेड सी इमेज बनेगी इसकी। तो बात आती है, ये बोल सकते हैं कि रेटिना हमारी जो स्क्रीन है ह्यूमन आई की उसके ऊपर तो इन्वर्टेड इमेज बन रही है, तो हमें सीधी कैसे दिखेगी? तो देखो क्या होता है, हमारी आई की यहां पर की एक ऑप्टिकल नर्व होती है, ऑप्टिकल नर्व से यहां पर इमेज इन्वर्टेड ही बनती है, जो स्क्रीन होती है रेटिना उसके ऊपर इमेज इन्वर्टेड ही बनती है, लेकिन इसका जो इन्फॉर्मेशन होती है वो जाती है ऑप्टिकल नर्व से ब्रेन के पास। अब ब्रेन का क्या काम होता है? ब्रेन एक तो इस इमेज को सीधी करके भेजेगा और इसको आइडेंटिफाई करेगा, ठीक है, आइडेंटिफाई करने का काम और इसको सीधी करने का काम ब्रेन का होता है। तो ब्रेन इसके डाटा को ठीक करके भेजेगा और इससे हमें इमेज जो है सीधी दिखेगी, ठीक है। ये तो बात हो गई ह्यूमन आई की। अब बोलते हैं कितने टाइम के लिए हमें पूछा गया, कितने टाइम के लिए उसका प्रभाव रहता है? तो इसका प्रभाव रहता है अबाउट 1/15 सेकेंड्स के लिए। कितने टाइम के लिए? 1/15 सेकेंड्स के लिए इसका प्रभाव रहता है, ठीक है, इस इमेज का। तो हम लोग चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। द अल्ट्रासोनिक इक्विपमेंट्स यूज्ड फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मेडिकल प्रॉब्लम वर्क्स एट फ्रीक्वेंसी। जो अल्ट्रासोनिक इक्विपमेंट्स होते हैं जो कि मेडिकल प्रॉब्लम्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए यूज किए जाते हैं, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है कितनी फ्रीक्वेंसी पे वो काम करते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन है बिलो 20 हर्ट्ज़, सेकेंड इज बिटवीन 20 हर्ट्ज़ एंड 20,000 हर्ट्ज़, थर्ड इज बिटवीन 2,000 हर्ट्ज़ एंड 20,000 हर्ट्ज़, एंड लास्ट ऑप्शन इज अबव 20,000 हर्ट्ज़। तो देखिए हमें इन्होंने फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, क्या है? 20 हर्ट्ज़। जो 20 हर्ट्ज़ है उसपे तो हमारी अल्ट्रासोनिक नहीं बल्कि इंफ्रासोनिक जो वेव्स होती हैं वो काम करती हैं। जो हमारी 20 हर्ट्ज़ है उसमें अल्ट्रासोनिक काम नहीं करती है, उसमें कौन काम करती है? इंफ्रासोनिक काम करती है, पर यहां पे उन्होंने अल्ट्रासोनिक की बात की है, तो 20 हर्ट्ज पे तो इंफ्रासोनिक काम करती है, ठीक है, इंफ्रासोनिक रेज। अगर बात करें बी बिटवीन 20 हर्ट्ज़ टू 20,000 हर्ट्ज़, 20 हर्ट्ज़ एंड 20,000 हर्ट्ज़ तो हमारी ह्यूमन एयर की रेंज होती है, ये तो ह्यूमन एयर की रेंज होती है। रेंज ऑफ ह्यूमन एयर कितनी होती है? 20 हर्ट्ज़ से 20,000 हर्ट्ज़, ठीक है। थर्ड बात करें बिटवीन 2,000 हर्ट्ज़ एंड 20,000 हर्ट्ज़, तो ये ऑप्शन हमारा गलत होगा, क्योंकि जो हमारी अल्ट्रासोनिक इक्विपमेंट्स है वो कितने रेंज पे काम करते हैं, कौन सी इन्वेस्टिगेट करते हैं, कौन सी फ्रीक्वेंसी पे? अबव 20,000 हर्ट्ज़, 20,000 हर्ट्ज़ से अबव काम करते हैं जो अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं। तो देखिए क्या होता है,
अबाउट 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, या फिर हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, हम लोग इसको लिख सकते हैं 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। ठीक है, अगर इनके हम लोग नीचे चले जाएं, इनके डाउन चले जाएं, बिलो चले जाएं, तो यहां पर इंफ्रासोनिक काम करती हैं, यहां पर इंफ्रासोनिक रेज काम करती हैं, और अगर इससे आगे चले जाएं, अबव चले जाएं, तो यहां पर कौन काम करते हैं, यहां पे अल्ट्रासोनिक काम करती है, यहां पर अल्ट्रासोनिक रेज काम करती हैं। और जो ये 20,000 हर्ट्ज से 20,000 क्या है, ह्यूमन ईयर की रेंज होती है। ठीक है, ह्यूमन ईयर की रेंज होती है हमारी 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। तो मतलब कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, अबव 20,000 हर्ट्ज। ओके, तो देखते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन को, क्या कहता है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, दैट इज पोलियो इज कर्स्ड बाय, पोलियो किसकी वजह से होता है, पोलियो का रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, तो पोलियो का रिस्पॉन्सिबल पोलियो वायरस होता है, पोलियो किसकी वजह से होता है, वायरस की वजह से होता है। ठीक है, सिक्स क्वेश्चन है, द टार्ट्रिक एसिड इज फाउंड इन लेमन, आमला, ग्रेप्स, अनराइप मैंगोस, या फिर एक और ऑप्शन लिख लीजिए, नहीं डी ऑप्शन है, लेमन, आमला, ग्रेप्स और अनराइप मैंगोस, मतलब कि लेमन, आमला, ग्रेप्स या फिर कच्चे आम। ठीक है, तो इनमें से कौन सा सही ऑप्शन होगा, हमारे पास यहां पर ऑप्शन दिए हुए ए एंड बी, या तो लेमन एंड आमला सही होगा, सी एंड डी, या फिर अनराइप मैंगोस और गोवा ग्रेप्स ठीक सही होगा, या फिर ए एंड सी, लेमन और ग्रेप्स, और बी एंड सी, आमला और ग्रेप्स, इनमें से कौन सा सही होगा। तो देखिए, अगर लेमन की बात की जाए, अगर हम लोग बात करते हैं लेमन की, तो लेमन के अंदर कौन सा एसिड होता है, सिट्रिक एसिड, लेमन के अंदर तो होता है सिट्रिक एसिड, मतलब ए वाला तो गलत है। अब इसमें से देखिए ए किसकी ऑप्शन के अंदर है, फर्स्ट एंड थर्ड, तो ये दोनों ऑप्शन हमारे गलत हो जाएंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं आंवला की, तो आंवला के अंदर एस्कॉर्बिक एसिड होता है, कौन सा एसिड होता है आंवला के अंदर, एस्कॉर्बिक एसिड, मतलब कि बी वाला भी गलत है, बी वाला ऑप्शन भी गलत कर दीजिए। अब कौन सा बच गया, सी एंड डी, मतलब सेकंड क्वेश्चन हमारा सही होगा, दैट इज ग्रेप्स एंड अनराइप मैंगोस, जो ग्रेप्स होते हैं और कच्चे आम होते हैं उसके अंदर जो हमारा टार्ट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा हो जाता है सही, हम लोग जाएंगे सेकंड ऑप्शन के साथ, क्योंकि हमारा ग्रेप्स और अनराइप मैंगोस बिल्कुल सही है। ठीक है, सेवेंथ क्वेश्चन क्या कहता है, द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ऑन द सेल्सियस स्केल एंड फारेनहाइट स्केल इज रिस्पेक्टिवली, ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है सेल्सियस स्केल पे और फारेनहाइट स्केल पे, तो ह्यूमन बॉडी का सेल्सियस स्केल पे टेम्परेचर कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस, और अगर फारेनहाइट स्केल पे बात करें तो कितना होता है 98.6 डिग्री फारेनहाइट, ये ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है। ठीक है, ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है, फारेनहाइट में 98.6 डिग्री फारेनहाइट, तो इसमें देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट है 37 डिग्री सेल्सियस एंड 98.6, यही बिल्कुल सही आंसर हमारा ए वाला। ठीक है, सेवेंथ क्वेश्चन कंप्लीट होता है, एट क्वेश्चन क्या कहता है, द रेशियो बिटवीन द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन इन द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है और जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उनका रेशियो कितना होता है। तो देखिए, हम लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है, लार्ज इंटेस्टाइन क्या होती है, ह्यूमन की डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है उसका पार्ट होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या काम होता है, फूड को कंप्लीटली डाइजेस्ट करना, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फूड कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है, और जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर जो अनअब्सॉर्ब फूड रह जाता है उसके अंदर में से वाटर और सोल्ट को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अब जो हमारी लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है अबाउट 25 फीट लंबी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, और हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन 5 फीट लॉन्ग होती है। अगर हम इनका रेशियो फाइंड कर ले तो क्या निकलेगा, हमारा रेशियो आ जाएगा 5:1, क्या आ जाएगा 5:1, मतलब हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एट क्वेश्चन का बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, मूव करते हैं हम लोग अपने लास्ट क्वेश्चन पे, दैट इज नाइन्थ क्वेश्चन, द नॉन मेटल यूज्ड इन द पर्पल कलर सॉल्यूशन अप्लाइड ऑन द वॉन्ड्स एज एंटीसेप्टिक इज, ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो कि पर्पल कलर सॉल्यूशन के अंदर होता है और एंटीसेप्टिक की तरह यूज करते हैं, उसको हम लोग वॉन्ड्स के ऊपर लगाते हैं, तो दैट इज आयोडीन, ब्रोमीन, सल्फर और क्लोरीन, तो कौन सा होता है, आयोडीन,
आयोडीन हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। यही ऐसा पर्पल कलर सॉल्यूशन होता है जो कि वॉन्ड्स के ऊपर लगाया जाता है और एंटीसेप्टिक की तरह यूज किया जाता है। अगर हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए नॉन मेटल यूज एज फ्यूल, नॉन मेटल यूज एज फ्यूल, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? कार्बन। कार्बन की कौन सी फॉर्म्स होती है? चारकोल एंड कोल, जिसको हम लोग किसकी तरह यूज करते हैं? फ्यूल की तरह यूज करते हैं। ठीक है, चारकोल और कोल जो है कार्बन की फॉर्म्स हो जाएंगी जिनको हम फ्यूल की तरह यूज करते हैं। ऐसा नॉन मेटल जो कि यूज किया जाता है फ्यूल, दैट इज कार्बन। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोगों ने करीब 9 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। अगली क्लास के अंदर भी हम लोग इसी तरह से 8-9 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो हम लोग इस पूरी स्पेशल क्लास की तरह हम लोग सीटेट की पूरी क्विज करेंगे। काफी लंबी चलेगी क्विज, तो बाकी आज की क्लास तो यही खत्म होती है। थैंक यू फ्रेंड्स।